दोस्तों, पुरातत्वविद मिस्र में राजधानी काहिरा से दक्षिण की तरफ मौजूद शहर अबू गोराब के रेगिस्तान में खनन कर रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा प्राचीन मंदिर मिला जिसे देखकर वह हैरान रह गए। यह मंदिर सूर्य देव का है। पिछले 4500 सालों से यह रेगिस्तान में दबा हुआ था। मिस्र के आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह पिछले दशक की सबसे बड़ी खोज है। इसे मिस्र फैरोल ने बनवाया था। दोस्तों, मिस्र में अब तक दो प्राचीन मंदिरों की खोज की गई है। हालांकि वारसा स्थित एकेडमी ऑफ साइंसेज में इजिप्टोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मासी मिलानो नुजोलो ने कहा है कि हमने ऐसी प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए काफ़ी समय दिया है, लेकिन जब ऐसा कुछ मिलता है जो पूरी सभ्यता, संस्कृति और उस समय के निर्माण कला विज्ञान को दर्शाता है तो हैरानी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों, पुरातत्वविदों के अनुसार यह मंदिर पांचवें साम्राज्य के फैरोह ने बनवाया था जब वह जीवित थे। इसका मकसद था कि उन्हें लोग भगवान का दर्जा दे। दूसरी तरफ पिरामिड्स बनवाए गए थे जहाँ पर फैरोह के मरने के बाद उनकी कब्र बनाई जाती थी ताकि मरने के बाद वह भगवान का स्वरूप हासिल कर सके। दोस्तों, मिस्र के उत्तर में पुरातत्वविदों को मिले सूर्य मंदिर से यह पता चला था कि देश में और भी सूर्य मंदिर है, जिसके बाद पूरे देश में इन मंदिरों की खोज शुरू की गई। फिर यह जानकारी मिली कि मिस्र में ऐसा 6 सूर्य मंदिर है जो 45 साल पहले बनवाए गए थे। उनमें से एक अभी अबू गोराब के रेगिस्तान में मिला है। मिस्र के पांचवें साम्राज्य के फैरोह न्यूसीरी ईनी ने इन मंदिरों का निर्माण कराया। अभी जो मंदिर मिला वह भी इन्हीं ने बनवाया था। न्यूसीरी ईनी ने ईसा पूर्व 25वीं सदी में 30 साल तक साम्राज्य किया था। जब पुरातत्वविदों ने और जांच की तो पता चला है कि मंदिर का निर्माण मिट्टी से बने ईंटों से किया गया था, जिसकी दो फोटो गहरी न्यू चूना पत्थरों से बनाई गई थी। दोस्तों, डॉक्टर मासी मिलानो नुजोलो ने कहा है कि क्योंकि अभी यह पता करना बाकी है कि यह फैरोह ने यह मंदिर बनवाए या उनके काल के अलग फैरोह ने भी यह काम किया था। मिस्र का पांचवा साम्राज्य करीब 150 सालों तक रहा। यह 25वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर मध्य 24वीं सदी ईसा पूर्व तक था। दूसरी बात यह है कि छोटे राजाओं द्वारा भी सूर्य मंदिर बनवाने का इतिहास दर्ज है। मिस्र के लोग सूर्य देवता को रा नाम से बुलाते थे जो नील नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मेरे वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।